नमस्ते, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर डिजाइन लेके आए हैं। सूट में साइड में लटकन का डिजाइन, और ये देखो मैंने आपको डाल के भी दिखाया है, कितना सुंदर लग रहा है ये लटकन का डिजाइन। और चलो अब हम आपको ये बना के दिखाते हैं। और ये हमने इसमें बाजू में भी डिजाइन डाला है इसमें, क्योंकि बाजू में इसमें हमारी लंबाई कम थी, इसलिए हमने बाजू में भी ये डिजाइन डाल दिया। और इससे हमारे बाजू की लंबाई कम से कम 2.5-3 इंच बढ़ के तैयार होगी। और मैं इसका लिंक भी नीचे दे दूंगी बाजू के डिजाइन का। और ये हमने साइड में लटकन लगाई है। और एक बात और बता दूं, मैंने इसके नीचे अपनी खजूरी सलवार बनाई है। और ये लटकन है, ये देखो कलर कॉम्बिनेशन के साथ हमने ये बाजू में लटकन बनाई है। ये नीचे वाला कपड़ा है जो इसमें देखो सभी कलर हैं, वाइट भी है, महरूम भी है, फिरोजी भी है, सभी कलर हैं। और फिर ये देखो एक एक कलर और हमने ऊपर इसमें लटकन के डिजाइन के लगाए हैं। और ये डोरी मैंने पहले ही बना के लगा ली। और अब मैं आपको इसमें लटकन बनाना बताती हूँ किस तरीके से हम ये देखो ये इस तरीके से हम जो कपड़ा लेंगे लंबी चौड़ी ये देखो इस तरीके से आपको कपड़ा काट लेना है। कम से कम 3 इंच लंबा कपड़ा है ये। इस तरीके से काटते हुए ये डोरी के ऊपर ये लगा के इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा के इसको पलटेंगे। आप भी सेम इसी तरीके से अपने सूट में अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हो। और अच्छे डिजाइन देखने के लिए और कुछ सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप वीडियो को देखते ज़रूर हो लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक ज़रूर करना। और कमेंट करके बताना कि आपको हमारा डिजाइन कैसा लगा। और ये हमने दूसरा कलर ले लिया, महरूम कलर। एक पहले हमने ये पहले फिरोजी कलर लगा दिया, बराबर देख लेना है ये कितना लंबा है, उतना ही लंबाई में हमने ये फिरोजी कलर ले लेना है। और ये देखो, और ये हमने ग्रीन कलर लगा दिया। और इसकी जितनी एक्स्ट्रा लंबाई है वो हम कटिंग करेंगे। बहुत फैशन है इस डिज़ाइन का। अब ये मैंने जितने भी सूट में कलर थे उन सभी कलरों की कतर ले ली और फिर उससे हमने ये अपनी लटकन तैयार कर ली। और जितने हमारी सूट की लंबाई है, मतलब चौक से लेके सूट की लंबाई तक ही आपको ये डोरी लगानी है। डोरी तो ऊपर ही रहेगी, ये लटकन वहाँ तक हमारी पूरी आनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, वहीं तक हमें कवर करनी है ये लटकन का डिजाइन। और ये हमने देखो ये दो एक साइड और दो एक साइड, मतलब इतनी लंबी डोरी बनानी है, उसी को ऊपर सिलाई लगाते हुए ऊपर इसको अटैच करते हुए इतनी लटकनी चाहिए नीचे नीचे, जहाँ तक हमारे सूट की लंबाई है वहाँ तक। और ये एक और हम कलर इसमें अटैच करेंगे वाइट कलर, क्योंकि इसमें कढ़ाई में हमारा वाइट कलर भी है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर किया करें। ये देखो कितने अच्छे से ये लटकन हमारी लग के तैयार हुई है। और अब हम इनके ऊपर प्रेस करेंगे, प्रेस करके डाल के आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है ये हमारा सूट। और ये सलवार है जो हमारी वाइट कलर की सलवार के ऊपर पिंक कलर के छोटे छोटे फूल हैं जो हमने सूट में डाल रखी है। और उस पर हमने खजूरी सलवार बनाई है, बहुत अच्छी लगती है खजूरी सलवार। और काम वगैरह करते वक्त वो ऐसे नीचे नहीं टिकती, इस तरीके से हमारी सलवार अच्छे से सिमट जाती है। और ये देखो एक लटकन और हम आपको बना के दिखाते हैं। ऊपर की साइड इस कपड़े का फेस करते हुए सिलाई लगा के इसको नीचे की साइड उतारेंगे। ये देखो इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से हम पलटेंगे। और एक वाइट कलर
काम लास्ट में ये लटकन बना के लगाएंगे। इसकी अच्छे से आपको पहले ही गोलाई कर लेनी है। ये देखो, यहाँ पे आप लटकन और किसी डिजाइन में भी बना के आप लगा सकते हो। और ये मैंने सभी लटकन लगा के तैयार कर ली। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।